चाहिए, कभी मन डोले कभी तन डोले, इनकी किसी बात पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। आशिक बनते ही छोटे कहीं के हो जाते हैं। वैसे प्रतीक्षा, खुद को रवि की पत्नी समझ लेने से तुम इस घर की बहू नहीं बन जाओगी। हाँ, इस घर की बहू बनने के लिए सब कामों में परफेक्ट होना पड़ेगा। अभी क्या? वैसे हमें काम क्यों नहीं करते, हमें कंपटीशन करते, रंगोली कंपटीशन। देखते हैं ना किसकी रंगोली पे हम सभी का और सारे मेहमानों का दिल आ जाता है। क्यों मंदीप, है ना? गुड आइडिया। फिर हमारी बहू की हम मुंह दिखाई करेंगे, और फिर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि तराजू के एक पलड़े पे काव्या बैठेगी और दूसरे पलड़े पे इसके वजन के बराबर फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, चांदी। ठीक है, मुझे ये कंपटीशन मंजूर है। लेकिन इस कंपटीशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, क्या हुआ? डर गई? हार मान गई? जी नहीं, मैं रिश्तों के लिए ऐसे छोटे कॉम्पिटिशन नहीं करती। लेकिन अगर ये चैलेंज है तो चैलेंज एक्सेप्टेड। तो दीप जी, आपको नहीं लगता आपने गलत किया है? फॉर गॉड सेक, इस घर की बहू काव्या है, कितनी बार आपको बताना पड़ेगा? आपके इस एक जेस्चर की वजह से आपको एहसास है कि उसको कितना बुरा लगा होगा, काव्या कितनी हर्ट हुई होगी। शर्म आ रही है मुझे कि आपने ऐसा किया है। आपने ना हमारी काव्या के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। चुप क्या खड़े हैं, बोलिए ना क्यों किया? क्योंकि प्रतीक्षा ने मेरे पैर छुए, मुझे इज्जत दी, मान दिया, इसलिए वो डिजर्व करती है मेरा आशीर्वाद और मैंने उसे आशीर्वाद दिया। और मनदीप जी, जहां तक काव्या को बुरा लगने वाली बात है ना, तो इस घर में ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं जिसे मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं चुप रहा, मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं कुछ बोलूंगा तो बात आगे बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए था, टोकना चाहिए था, रोकना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था? यही कि आप भूल रही हैं कि आप इस घर की बहू हैं, सास हैं, मेरी पत्नी हैं, और इन सारे रिश्तों से जुड़ी आपकी कोई जिम्मेदारियां हैं जिसे आपको निभानी है। और सबसे पहले तो ये कि घर में शांति बना के रखना, और दूसरी, किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहिए। अरे तो मैंने कब गलत होने दिया? मैं तो हमेशा काव्या के साथ खड़ी रही हूँ ना। अरे बस कीजिए, काव्या काव्या काव्या, मैं काव्या की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रतीक्षा की बात कर रहा हूँ। तू ये सब छोड़, सब आने वाले होंगे तो जल्दी से जाके तैयार हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब सब आए और तुझे देखे तो कहे कि तू कितनी ज्यादा खूबसूरत है और तेरी और रवि जीजू की जोड़ी बेस्ट है। अरे वाह, चीजें बड़ी खूबसूरत लग रही है यहाँ पे, हमारे डेकोरेटर्स ने अच्छा काम किया ना, बहुत जल्दी सजा दिया सब कुछ। एक्सक्यूज मी, ऐसे घूर घूर के मत देखो मुझे, ओके प्लीज। मुझे भी अच्छा नहीं लगता और स्पेशली काव्या को अच्छा नहीं लगेगा यार। ओके, मैं 15 मिनट में तैयार होके मिलती हूँ। किंजल किंजल, एक मिनट बाद।